हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और सभी को पसंद आने वाली है। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी छिलका वाली मूंग दाल ली है। उसी कटोरी से मैंने यहाँ आधा कटोरी तुअर दाल ली है और आधा कटोरी चना दाल ली है। मैंने यहाँ दाल फ्राई बनाने के लिए तीन तरह की दाल यूज़ की है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और दाल भी ऐड कर सकते हैं। सभी दालों को मिक्स करके मैंने इन्हें एक से दो बार अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। मैं अब इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ और इस दाल को एक घंटे तक भीगने के लिए रख रही हूँ। एक घंटा होने के बाद दाल अच्छे से भीग चुकी है, तो इसे उबालने के लिए मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। दाल अच्छे से गल जाए इसलिए कुकर में उबालते समय मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और दाल को उबालने के लिए जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ। बस अब कुकर पर ढक्कन लगाकर मैंने इसे गैस पर लो फ्लेम पर रख दिया है। कुकर को हमें गैस पर तब तक रखना है जब तक कि इसमें 2 से 3 सीटी ना आ जाए। 2 से 3 सीटी आने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है और कुकर की स्टीम अच्छे से निकलने के बाद ढक्कन खोलकर देखते हैं कि दाल अच्छे से गली या नहीं। दाल हमारी अच्छे से गल गई है, तो अब तैयारी करते हैं इसे फ्राई करने की। मैंने यहाँ एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने पर मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे के चटकने पर मैं इसमें 1 से 2 टुकड़े तेज पत्ते के डाल रही हूँ। दाल का फ्लेवर और बेहतरीन बनाने के लिए मैं इसमें 2 से 3 पीस लौंग डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, जिन्हें मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है, डाल रही हूँ। लहसुन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन न निकल जाए। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, जो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने यहाँ एक बड़े साइज के लाल टमाटर को बारीक काट लिया है, जो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। टमाटर को लो फ्लेम पर हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब बारी आती है मसालों की, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। दाल को एकदम स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इन सब मसालों को बैलेंस करने के लिए स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि बाकी पकी हुई दाल में हमने नमक डाल रखा है, और 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पकी हुई दाल डाल रही हूँ। अब इसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे। गैस को मैंने यहाँ लो फ्लेम पर ही रखा है। दाल पकते पकते बहुत ही गाढ़ी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। पानी डालने के बाद दाल में इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे तकरीबन 1 मिनट और पकाएंगे। गैस को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और अब लास्ट में मैं इस पर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल रही हूँ। अब इस दाल को मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी दाल फ्राई। ये दाल खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है। दाल फ्राई की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें।